कहाँ भाव था? सामान के सामने। अच्छा 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 ठीक है भैया, डायरी में लड़का थोड़ी प्रेरणा मिलती है अंदर। हाँ ये हमारा लड़का भैया सुबह कूड़ा लेने आएगा, इससे आपको कूड़ा देना है। ये सूखे के, ये गीले के लिए है और ये सूखे के लिए है, ठीक है भैया। इन दो से आपको कूड़ा देना है। और बाबू जी आप थोड़ा सा सर्वे करेंगे कि सुबह में लड़का आएगा आपको सीटी बजाएगा, सीटी किस तरह बजाओगे, बजाओ हाँ इस तरह सीटी बजाएगा और ये घर से कूड़ा लेके जाया करेगा। इसका हर घर से 1 रुपये का पर डे का चार्ज है, जिसमें 30 रुपये की आपको हर महीने स्लिप मिलेगी। और बाड़ों से जितना है कूड़ा हर लड़का लेके जाएगा, हर घर से लेके जाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लेके जाए तो अच्छा है, और हर घर को देना है। और इस बहाने से आप थोड़ा सा कर तो दोगे अगर देखे। जी मेरा शुभ नाम है कमल गुप्ता। कमल जी आप ये जो मोहल्ले वाइज ये डस्टबिन दे रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य ये है कि हर घर से कूड़ा उठाया जाए, हर घर से मतलब कूड़ा लिया जाए, बाड में कहीं पे भी गंदगी ना हो, समय से पहले कूड़ा उठे। जहाँ सुबह 7 से 11 बजे तक ये काम चलेगा और नगर में स्वच्छता अभियान बनाया जाएगा। और जहाँ हर घर से कूड़ा उठेगा तो गली में कहीं गंदगी नहीं नज़र आएगी, गली के मोड़ पे गंदगी नज़र नहीं आएगी, और जहाँ बंदर वगैरह उसको नुकसान करते वो कहीं से कहीं तक नहीं आएगा, और स्वच्छ भारत रहेगा। मान लो चंदौसी में जितनी गंदगी है थोड़ा बहुत, तो धीरे धीरे एकदम कम हो रही है, मतलब करवा रहे हैं। ये सामने दे रखा है और चेयरमैन जी ने दे रखा है, जो हमारे राधा कृष्ण जो कंपनी है इसने ले रखा है। तो ये नगर से बाहर कूड़ा जाएगा सारा। क्या प्रतिदिन उठाया जाएगा? ये प्रतिदिन उठाया जाएगा। यदि आपके वार्ड में लड़का नहीं आता है तो हम हर गली में मोहल्ले में किसी एक शख्स को अपना नंबर भी देते हैं, जिससे वो हमें कॉल करता है और बताता है कि आपका लड़का नहीं आया। फिर हम लड़के को लेके वहाँ पहुँचते हैं और पूरा वार्ड साफ कराते हैं। इसका शुल्क क्या हुआ? इसका 1 रुपये प्रतिदिन का शुल्क है, जिसमें 30 रुपये की 30 दिन पे पूरे होने पर आपको एक स्लिप दी जाएगी। ना, 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 ना,